हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है BMI एंड BMR में, और इन दोनों में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना है हेल्थ के लिए। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस के लिए हैं। बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस हम तब करते हैं जब हमें किसी का एक्सरसाइज या डाइट शेड्यूल बनाना हो, जिसमें उसका कम्प्लीट बॉडी टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम पर्सन के BMI, BMR, बॉडी वेट, हाइट, फैट परसेंटेज, ये सारी चीज़ें चेक एंड मेज़र करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे BMI की। BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये एक तरीका होता है जिसमें हम वेट और हाइट का रेशियो लेते हैं, और उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम ये पता करते हैं कि वो पर्सन हेल्दी रेंज में है या ओबीज में है। इसमें हम वेट केजी में लेते हैं और हाइट मीटर में। BMI निकालने का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइड बाई हाइट इंटू हाइट। पर दोस्तों, ये तरीका अब आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो बॉडी वेट है वो कम्प्लीट बॉडी वेट है। इसमें कि हमारे मसल्स का वेट भी है, फैट का वेट भी है, बोन्स का वेट भी है, और इंटरनल ऑर्गन्स का वेट भी है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, टोटल बॉडी वेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में फैट का वेट का पता होना। पर यहाँ पे एक टोटल बॉडी वेट है, ना कि सिर्फ फैट का वेट। आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरा एक फ्रेंड रॉबिन, जिसकी एज 24 ईयर है, इसके वेट 80 kg है और हाइट 173 सेंटीमीटर है, और इसका बॉडी फैट परसेंटेज 14% है। हम अगर इसका BMI निकालें, उसका BMI 26.7 आएगा, जो कि BMI चार्ट के अकॉर्डिंग ओवरवेट है। पर इसका बॉडी फैट परसेंटेज 14% है, जो कि बॉडी फैट परसेंटेज चार्ट के अकॉर्डिंग फिटनेस रेंज में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बॉडी मसल मास ज़्यादा है और फैट कम, इसलिए इसका वेट ज़्यादा होते हुए भी ये फिटनेस रेंज में है। BMR का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते या कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं करते, तो हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी एनर्जी सेव कर रही है, पर ऐसा नहीं है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स 24 आवर वर्क करते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब वर्क करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे बॉडी में कोई फिजिकल मूवमेंट ना हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो एनर्जी यूज़ करती है, उसे हम बेसल मेटाबॉलिज्म रेट या BMR बोलते हैं। हमारा BMR हमारा एज, हाइट और वेट पर डिपेंड करता है। अगर आपका BMR हाई होगा, तो आप हेल्थी रहेंगे, क्योंकि आप फैट गेन नहीं कर पाएंगे, मसल हमारे बॉडी एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ कर लेगी। ये भी एक रीज़न होता है कि जिन लोगों को BMR हाई होता है, वो जितना भी फैटी चीज़ खाते हैं, पर वो फैट गेन नहीं कर पाते। ऐसे तो BMR के कैलकुलेशन के लिए बहुत से लोगों ने फॉर्मूलेस दिए हैं, पर अमेरिकन एसोसिएशन फॉर डाइटिशियन ने हैरिस बेनेट इक्वेशन को सबसे एक्यूरेट माना है। इस इक्वेशन के थ्रू हम मैन और वुमेन दोनों का अलग अलग BMR निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन के थ्रू हम BMR तो निकाल लिए हैं, तो अब बात आती है इस BMR का हम यूज़ कहाँ करेंगे। ये BMR हमारी टोटल डेली कैलोरीज निकालने में यूज़ आता है। टोटल डेली कैलोरीज मतलब कि हमें मैक्सिमम इतनी डेली कैलोरीज दे रही हैं बैलेंस डाइट के लिए। तो अब टोटल डेली कैलोरीज निकालने के लिए हमें अपने निकाले हुए BMR को अपने डेली परसेंटेज एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करना होता है। हमारा डेली परसेंटेज एक्टिविटी लेवल हमारे डेली शेड्यूल पर डिपेंड करता है। हम मान लीजिए कि आपका डेस्क जॉब है या आपके काफ़ी कम मूवमेंट है, तो आपका परसेंटेज एक्टिविटी लेवल 1.5 होगा। उसी तरह आप मान लीजिए हफ्ते में या 2 या 3 दिन वर्कआउट करते हैं, तो आपका परसेंटेज एक्टिविटी लेवल 1.7 होगा। और अगर आप पूरे दिन वर्कआउट करते हैं, तो आप हाईली एक्टिव है, तो आपका डेली परसेंटेज एक्टिविटी लेवल 1.9 होगा। तो अब इसके थ्रू हम अपनी टोटल कैलोरीज निकालेंगे। अब मान लीजिए आपको वेट लॉस करना है, तो आपको वेट लॉस करने के लिए जो टोटल कैलोरीज आई, उसमें से 500 कैलोरीज माइनस कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैलोरीज रिमेनिंग है, उतनी पूरी कैलोरीज आपको पूरे दिन में खानी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप अपने रिक्वायर्ड कैलोरीज बैलेंस डाइट के थ्रू सही अमाउंट ले रहे हैं, तो आपका वेट लॉस तो होगा ही, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी 500 कैलोरीज कम ले रहे हैं अपनी टोटल कैलोरीज से। चलिए इसे एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। मेरा वही फ्रेंड रॉबिन, जिसकी एज 24 ईयर है, इसकी हाइट 173 सेंटीमीटर है, वेट 80 kg है और फैट परसेंट 14% है। अगर हम इसका BMR निकालें, इसका BMI 8068 कैलोरीज आएगा। अब मान लीजिए रॉबिन को अपनी परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए डेली एक्सरसाइज करना है, तो उसका परसेंटेज एक्टिविटी लेवल 1.9 होगा। तो हम उसका टोटल कैलोरीज निकालने के लिए उसके BMR से 1.9 मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि अप्रॉक्स 3500 कैलोरीज आएगी। तो अब उसे मान लीजिए वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस करने के लिए वो अपनी 3500 कैलोरीज से, यानी टोटल कैलोरीज से 500 कैलोरीज माइनस कर देगा, जो कि अप्रॉक्स 3000 कैलोरीज होंगी, जो कि उसे पूरे दिन में अच्छी और बैलेंस डाइट के थ्रू कंज्यूम करनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमें मिनिमम अपने BMR का इक्वल तो कैलोरीज पूरे दिन में कंज्यूम करनी ही चाहिए, ताकि हमारा इंटरनल ऑर्गन अच्छे से वर्क कर सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो वेट लॉस करने के लिए अपने बीएमआर इक्वल भी कैलोरीज कंज्यूम नहीं करते, जिनके कारण उनके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमें ये पता चला कि बीएमआर का इंपॉर्टेंस क्या है और उसके थ्रू हम अपनी टोटल डेली कैलोरीज कैसे निकाल सकते हैं और उतनी कैलोरीज के फूड अपनी डाइट में ऐड करके हम बैलेंस डाइट एक कंज्यूम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें ये पता चला कि बीएमआई का अब उतना यूज़ नहीं होता, मोस्टली फॉरेन कंट्रीज ने तो अब इसका यूज़ करना ही बंद कर दिया है, पर इंडिया में अभी भी मैक्सिमम जिम में लोग बीएमआई का ही यूज़ करते हैं बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस के लिए, क्योंकि उतना इफेक्टिव वे नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड नॉलेज के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।